नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित और आप देख रहे हैं ई फार्मेसी। दोस्तों, एशिया को ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। गोरा करने वाली क्रीम यहाँ बिकती भी खूब हैं, जो सर्दियाँ गोरा करने का दावा करती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर में गोरेपन को लेकर जबरदस्त दीवानगी है। क्रीम से लेकर साबुन और पाउडर तक सभी गोरेपन के साथ चेहरे के दाग धब्बे काली झाइयाँ दूर करने का दावा करती हैं। ये प्रोडक्ट्स गांव से लेकर शहरों तक खूब बिकते हैं। गोरी त्वचा के साथ भारत का लगाव ब्रिटिश शासन के बाद शुरू हुआ। उससे पहले सांवले रंग को खूबसूरती का पैमाना माना जाता था। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं माय फेयर क्रीम, जो कि चेहरे के दाग धब्बों को दूर करती है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं जी लेबोरेटरीज कंपनी की माय फेयर क्रीम के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं इस क्रीम में पाए जाने वाले साल्ट के बारे में। दोस्तों, इस क्रीम में मुख्य रूप से तीन साल्ट पाए जाते हैं। नंबर एक मोमेटासोन, नंबर दो ट्रेटिनोइन और अंत में नंबर तीन हाइड्रोक्विनोन। तो आइए अब बात करते हैं ये साल्ट कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मोमेटासोन फ्यूरेट, जो कि एक कॉर्टिको स्टीरॉयड है और यह एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्यूरेटिक और वैसो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है और यह चेहरे में पिंपल्स के पास आई सूजन को कम करता है, जिससे मुहासे कम लाल होने लगते हैं। नंबर दो ट्रेटिनोइन, जो कि मुहासों को कम करने की बहुत ही इफेक्टिव साल्ट है। यह एपिथेलियल सेल में केराटिनेशन की अधिकता की वजह से आए एबनॉर्मल फॉलिकुलर फॉर्मेशन को कम कर देता है, जिससे मुहासे कम होने लगते हैं। और अंत में अब बात करते हैं हाइड्रोक्विनोन साल्ट के बारे में, जो कि चेहरे पर लाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है और यह एंजाइमेटिक कन्वर्जन की प्रोसेस को रोकता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी माय फेयर क्रीम के कार्य करने की विधि। आइए अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की विधि के बारे में। दोस्तों, चूंकि यह ड्रग शेड्यूल H1 कैटेगरी की है, तो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और यदि आप स्वयं इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रात के समय चेहरे को फेस वॉश से धोकर हल्के हाथों से इस क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। दोस्तों, इस क्रीम को हल्के हाथों से ही अप्लाई कर रगड़े नहीं तो चेहरे की स्किन डैमेज हो सकती है। दोस्तों, इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ रात के समय ही करें, दिन में ना करें, क्योंकि यह क्रीम डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन करती है। तो ये थी इस क्रीम के इस्तेमाल की विधि। आइए अब बात करते हैं इससे होने वाले कुछ दुष्परिणामों के बारे में, जैसे सनबर्न, ईचिंग, इरिटेशन, सेंसिटिविटी प्रॉब्लम इत्यादि प्रकार के छोटे बड़े दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जी लेबोरेटरीज कंपनी की माय फेयर क्रीम की पूरी जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।